हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन की एग्जांपल नंबर 1.4.1 की। तो 1.4.1 एग्जांपल की मैं जब बात कर रहा हूँ तो क्या है उसके अंदर, अभी आपने इससे पहले एक डेरिवेशन देखा होगा एडिशन ऑफ द टू वैक्टर जो कि SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन थे, तो उसी के ऊपर है एट द फॉलोइंग मोशन द एनालिटिकली। तो आपको X1 और X2 की वैल्यू दे रखी है, तो क्या है X1 की वैल्यू मैं फटाफट से लिख देता हूँ आपके सामने कि X1 दे रखा है उन्होंने यहाँ पे 2 cos ωt + k 0.5, और X2 कितना दे रखा है आपको 5 sin ωt + k 1 0। तो ये आपको दो कंपोनेंट दे रखे हैं, तो अपन को पता है कि इनिशियली अपन क्या करते हैं एनालिटिकली अगर समेशन निकालते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो मैंने भी वही किया कि X=X1+K(X2) किया। तो जब मैंने इसको ऐड किया तो मुझे इसको ओपन करके लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात आती है कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मुझे पता है कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो मैं यहां पे लगा देता हूं आपके सामने, 2 मैंने बाहर रख लिया, कॉस ए यानी कि कॉस ओमेगा टी, कॉस बी यानी कि कॉस 0.5, माइनस हो जाएगा क्योंकि पी प्लस है साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा मेरा साइन ए 0.5। दूसरा कंपोनेंट लेना था 5 का मल्टीप्लाई करूंगा साइन ए प्लस साइन बी, ये तो अभी अपन ने पहले भी लगाया था, तो ये हो जाएगा मेरा साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा आपका कॉस 1 0। फिर उसके बाद लेंगे आप प्लस कॉस ओमेगा टी और ये हो जाएगा आपका साइन 1 0। तो ये मेरे पास वैल्यू निकली। तो मुझे इसके अंदर से कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कॉस वाले कंपोनेंट एक पास लेने पड़ेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा रेड ले लेता हूँ। तो जो मैंने यहाँ पे लिया कि मुझे दिखाई दे रहा है कि कॉस ओमेगा टी वाला एक कंपोनेंट मेरा यहाँ पर है, कॉस ओमेगा टी वाला एक कंपोनेंट मेरा यहाँ पर है, तो मैं ले लेता हूँ उसको, साफ साफ दिखेगा आपको। यहाँ से जो कंपोनेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा मेरा 2 cos ωt × cos 0.5। यहाँ से जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा मेरा प्लस के 5 cos ωt और ये हो जाएगा मेरा साइन 1 0। क्लियर, एक तो ये कंपोनेंट हो गया। अब यहाँ से मैं दूसरे कंपोनेंट की बात करूंगा, तो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आएगा मेरा 5 sin ωt cos 1 0, ये माइनस में माइनस के 2 sin ωt sin k 0.5। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा यानी कि ये जब आप कैलकुलेटर में वैल्यू डालेंगे cos 1 0 की, तो पहले आप कैलकुलेटर को रेडियन पे चेंज करेंगे, रेडियन पे चेंज करेंगे तब आप ये cos 0.5 cos 1 0 की वैल्यू डालेंगे, तब आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ये टोटल वैल्यू निकल के आएगी। मैंने चेक कर लिया है ये बिल्कुल सही है इसके अंदर, बुक के अंदर 1.74, क्योंकि पहला जो कंपोनेंट है मैं साइन वाले को कंसीडर कर रहा हूं, तो साइन वाले की चीजें आ रही है पहले साइन ओमेगा टी। दूसरा कंपोनेंट निकल के आ रहा है मेरे पास प्लस के 5 0 cos ओमेगा टी, क्योंकि cos ओमेगा टी वाला कंपोनेंट है, यानी इस वाले को मैंने आगे लिख लिया उसको मैंने पीछे लिख लिया, तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गई एक्स वाली जो कि अपन यहां तक आ चुके हैं। अपन ने पहले लास्ट वाले डेरिवेशन में बोला था कि ये जो अपने को एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है वो एक्सप्रेशन मेरा इस एक्सप्रेशन के बराबर होता है, ये अपन लास्ट वाले डेरिवेशन में करके देख चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप वहां पर जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब मैं इस एक्सप्रेशन को ओपन करता हूं तो आपके पास वैल्यू क्या होती है, जैसे मैं एक्स को बाहर ही रख लेता हूं, साइन ए कॉस बी प्लस के कॉस ए साइन बी। तो अब आप देखेंगे यहां पे कि दिस इज द एक्सप्रेशन 1 और दिस इज द एक्सप्रेशन 2, तो अब मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करूंगा, तो आप देखेंगे यहां पे कॉस बीटा की वैल्यू मुझे 1.74 के बराबर दिखेगी। तो यहां पे आपको दिख रही है क्योंकि एक्स मैंने बाहर ले रखा था उसको, तो एक्स का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि एक्स कॉस बीटा इज इक्वल 1.74 है जो कि यहां पे लिखा हुआ है, आप ग्रोवर की बुक के अंदर जाके देख सकते हैं। जो सेकंड कंपोनेंट है आप यहां पे देखेंगे एक्स साइन बीटा की वैल्यू आपको 5.90 के बराबर दिख रही है, तो ये लिखा हुआ है यहां पे एक्स साइन बीटा इज इक्वल 5.90। तो ये दो कंपोनेंट निकले, यहां से मैं इसको टेन के फॉर्म में ले लेता हूं, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख के एक्स से एक्स कट जाएगा, तो टेन बीटा इज इक्वल आ जाएगा आपके पास वैल्यू 5.90/1.74। तो जब आप इसको बीटा इनवर्स करेंगे, बीटा इज इक्वल 10 inverse 5.90/1.74, तो आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी बिल्कुल 73.6, ये बिल्कुल चेक किया हुआ है, बिल्कुल सही है। और जब आप इसकी वैल्यू से एक्स की वैल्यू निकालेंगे किसी भी एक कंपोनेंट में आप रख दीजिएगा, एक्स की वैल्यू 6.17 ही आएगी।
और जब आप इसको रख देंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर तो आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, आपको समझ में बिल्कुल आई होगी। इसका ग्राफिकल मेथड है वो और देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे ग्राफिकल मेथड शो कर रखा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो आपको दो इक्वेशन दे रखी थी उसने फिर दोबारा से वही दोनों इक्वेशन लिख रखी है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, x x2 वाली, उसके अंदर एंगल को पुट करके लिख रखा है बस। उसके बाद जो मैंने लास्ट डायग्राम के अंदर आपको समझाया था लास्ट वाले डेरिवेशन के अंदर, बस उसी तरीके से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे आप पहले कंपोनेंट को देखेंगे जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस के 0.5 प्लस के पाई बाई 2। तो जब मैं इसको रेडियन में चेंज करूंगा तो वन इसकी वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 साइन ओमेगा टी प्लस के 2.07, जो कि उसका फेस मार्जिन बता रहा है। उसको एंगल की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो ये एंगल की फॉर्म में चेंज होगा तो क्या आएगा, 2 साइन ओमेगा टी प्लस के 118.8 डिग्री। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल तरीके से कि ये मेरा यहाँ से जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, जीरो डिग्री को, और ये जो जा रही है मेरी कितनी जा रही है 118.8 डिग्री। तो यहाँ पे मेरा मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ तक खत्म हो जाती है बात। अब मैं दूसरे वाले कंपोनेंट की बात करता हूँ, उसी तरीके से सॉल्व करके मेरा दूसरा कंपोनेंट निकल के आ रहा है, वो रहा है मेरा 5 साइन ओमेगा टी प्लस के एंगल मेरा 57.3 है। तो मैं यहाँ से जीरो से आया, फिर दोबारा से ये आपको मिल चुका है, जीरो से मेरा 57 एंगल ये है, यहाँ से मेरा दूसरा कंपोनेंट मेरा ये 5 मिल गया। और अभी लास्ट में मैंने आपके सामने आंसर बताया था, बीटा की वैल्यू आप कह रहे थे 73 समथिंग, तो 74 के आसपास थी, तो वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रखी है ये 74 के आसपास है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6.17 थी वो वैल्यू जो कैपिटल एक्स की आ रही थी निकल के फाइनल, ये गई, ये लिखा हुआ है। तो ये मेरा एक डायग्राम बन गया पैरेललोग्राम वाला। तो सिंपल है, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।